नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी को पुनः आईटीआई टेक्निकल स्किल्स सिवान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कि अभी सभी ये देखे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें पावर सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर आता है, वहाँ से पूछा गया है। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप जानते हैं और इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बात क्या क्या चीज़ें होता है। तो इसमें आपको जैसा है रोम आता है, इसमें आपको सीपीयू आता है, कंट्रोल यूनिट आता है ना, तो इस प्रकार के सभी चीज़ों को इनपुट आउटपुट है ना। उसके बाद इसमें AL होता है, अर्थमैटिक्स है ना, लॉजिकल यूनिट होता है। इसी तरह से AL होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसे और सारे चीज़ें होता है। तो उसको आप पढ़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानते रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में आंसर। तो क्वेश्चन हमारा होगा प्रश्न संख्या 3 का C। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, कंप्यूटर सिस्टम बना, तो पहले तो आपको इनपुट इसमें दिखाना होगा। तो भाई इनपुट क्या होता है आपको पता है, कोई भी हम प्राइमरी के रूप में, सेकेंडरी के रूप में कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ, जब भी हम इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, हमें प्राप्त होगा, ये आपको पता है कि आउटपुट यहाँ प्राप्त होगा। और जब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ ये करेंगे तो इसके अंदर इनपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ स्टोरेज होगा, और स्टोरेज होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में स्टोरेज करेगा, ये भी आपको पता है। और कुछ इसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम भी होगा, ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट होगा, तो यहाँ पे यूनिट होगा, ये दो पार्ट में होगा और ये भी आपको दो पार्ट में होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये आपको इनपुट है ना, इनपुट, और ये आपको यहाँ कर दिए कि क्या है कि आपको आउटपुट है, ये आपको पता हो गया। इसके बाद आप इस पे देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, ये कंट्रोल स्टोरेज होगा तो कौन कौन सा होगा, तो इसमें होगा सेकेंडरी, ठीक है, क्या बहू, स्टोरेज। तो स्टोरेज आप यहाँ पर कर लीजिएगा, स्टोरेज, और इसमें क्या होगा, प्राइमरी स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे तो इसको शॉर्ट में लिखता है यहाँ पे CU, ठीक है। तो CU को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी कंट्रोल यूनिट, तो सबको पता है यूनिट क्या होता है। और उसके बाद नीचे में आता है, इसको हम लोग ALU लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं इसे, ALU, अर्थमैटिक्स और लॉजिकल, अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए इसके तो पूरा हमने लिख दिया, बट आपको इसके कनेक्शन कैसे करना, मतलब ज्वाइंट कैसे करना होगा। तो बाबू इनपुट यहाँ से आउट होकर ये चला जाएगा किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर, ऑप्शनल में रहेगा आपको इस तरह से कि इधर से भी आपको आउटपुट इसके अंदर जाए, इनपुट जाएगा और फिर यहाँ से आउटपुट इसके अंदर से होकर इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा, मतलब आपको इधर से और इधर से, फिर ये डायरेक्टली आप यहाँ से इसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ। अब देखिए बाबू कि इसके अंदर कुछ और होता है बनावट, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे दो पार्ट में कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, दो पार्ट में हो गया ये। तो एक इसके अंदर इन करेगा और एक इसके ऊपर आउट, मतलब ऊपर नीचे होगा, फिर उसी तरह से यहाँ भी होगा, ठीक ना। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक ही में बनाया था, फिर आपको थोड़ा अलग कर, आप इस पे देख रहे हैं, और यहाँ भी आपको क्या होगा कि इन करेगा इसके नीचे, कहाँ से भाई, प्राइमरी स्टोरेज से चला गया कंट्रोल यूनिट में, और फिर इधर से आपको ऊपर चला जाएगा इस तरह से डायरेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा आपको कंट्रोल क्या है, आपको कंप्यूटर सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ पे आपको लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है ना सिस्टम, तो डायग्राम जाता है डायग्राम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का ये आपका ब्लॉक डायग्राम होता है, इस प्रकार से बनाना होता है, तब बना चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 के 4 में, ठीक है, यानी कि D नंबर में। तो वो कहेगा आपको क्या कहेगा,
क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक के एनालिसिस करेंगे इसके दूसरे वीडियो में, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या जो आपको आएगा एक भाई एक कर करके वहाँ पे, तो उसका आंसर हम देखेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहें, मैंने उम्मीद की आप सभी से कि आप देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।